हेलो व्यूअर्स, मैं रजत सेठ वायरल वर्सेस फैक्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। कोरोना काल की वजह से पूरी दुनिया की हालत बहुत ही ख़राब हुई। बड़ी मुश्किल से चीज़ें नॉर्मल आनी शुरू ही हुई थी, लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत कभी बता के नहीं आती है। तो कोरोना काल की दूसरी वेव भी हमें बता कर नहीं आई है। कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से कहर बरसाना शुरू कर दिया है। इसने भारत के कौन कौन से राज्यों को चपेटे में ले लिया है, इसकी पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी वीडियो अंत तक। द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना हैज स्केयर्ड एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड। ये खौफ अब भारत में भी फैलना शुरू हो रहा है। कोरोना की हो रही है भारत में फिर से वापसी। इन द फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना मुंबई हैड द मोस्ट केसेस ऑफ इन्फेक्शन, और अब दूसरी वेव में मुंबई हो रही है फिर से हाईलाइट। 17 मार्च को मुंबई में 2300 नए केसेस सामने आए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर दादर होलसेल मार्केट की वीडियो ट्रेंड हो रही है, जिसमें भारी संख्या में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। जिसके बाद बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी BMC ने ये निर्णय लेने का सोचा है कि वो दादर सब्जी मंडी को कहीं और लगाएंगे। ये निर्णय अभी पक्का नहीं है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर इस पर फाइनल फैसला लेंगी। किशोरी जी का मानना है कि अभी नाइट कर्फ्यू लगाना फिर से ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हालत अभी फिर ख़राब होने लगी है और मुंबई वालों को इसमें हमारा साथ देना होगा ताकि वो लॉकडाउन से बच सके। ये मार्केट को अगर शिफ्ट करेंगे तो वो सियोन के सुमैया ग्राउंड्स में लगेगी, नहीं तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में लग जाएंगी। ये मार्केट में लोगों की संख्या इतनी होती है कि यहाँ पर कोविड रूल्स इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नवंबर 2020 में वेडिंग सीजन की वजह से दिल्ली में कई सारे नए केसेस आए। नवंबर 1 से 16 के बीच में 1 लाख से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए। इसकी वजह से दिल्ली सरकार को मार्केट में लॉकडाउन लगाना पड़ा, क्योंकि वो हॉटस्पॉट एरिया बन गया था फॉर कोविड। इसके अलावा अहमदाबाद में नई रिस्ट्रिक्शन लगी हैं। इन रिस्ट्रिक्शन की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस, जिम्स, पब्लिक पार्क्स और क्लब्स सब बंद कर दिए गए हैं। मास्क ना पहनने की वजह से दिल्ली वालों को काफ़ी चालान मिले। नोएडा में सेक्शन 144 लगाया, जिसमें आप प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक कुछ नहीं कर सकते हैं 30 अप्रैल तक। सूरत में अगर आप आते हैं तो आपको 7 दिन तक क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट होली, गुड फ्राइडे, नवरात्रि, हनुमान जयंती जैसे फेस्टिवल्स में भी प्रिकॉशन लेंगी ताकि कोविड और ना फैले। अभी तो इन्हीं जगह पे नई रिस्ट्रिक्शन आई है, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर से लॉकडाउन होने की संभावना भारत में बहुत ज़्यादा है। खैर, आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी के इतनी ख़राब होते हुए लॉकडाउन का वापस लगना सही है कि नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।